आधी लाल है और आधी जो है ब्लैक है, और साथ ही यह दूसरे वाली आँख भी इसकी चेक करवा दूँ आपको, बिल्कुल ही ब्लैक है, थोड़ी सी जो है पीले कलर की है माशा। तो दोस्तों आज मैं आपको इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर भी देने वाला हूं। तो कुछ लोग और काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में अपना नंबर मांगते हैं और पूछते हैं कि आप कहां से हैं, तो मैं आपको आज अपना नंबर देना चाहता हूं। तो आप आखिर तक वीडियो देखें और नंबर भी लें और मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। और अगर आप कबूतरों के बारे में कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, सवाल वगैरह, और कबूतरों की हेल्थ के बारे में, कबूतरों की परवाज़ के बारे में, और काफ़ी नुस्खे हैं मेरे पास, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और वीडियो मेरी आखिर तक देखें और मेरा नंबर भी लें और मुझसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुसैन पिजन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो बाजियां टूर्नामेंट वगैरह चल रहे थे, तो मैंने अपने कज़न की छत छोड़ी थी, अभी तक मेरे खुद के कबूतर नहीं उड़े। तो मैं अपने कबूतर जब उड़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर जो है ऐसे गर्मियों में टूर्नामेंट वगैरह इसी तरह लगे रहते हैं 5-6 महीने तक, तो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में लाजमी उड़ते रहते हैं कप वगैरह और चैम्पियन भी बनते हैं कुछ लोग। तो मैंने अभी तक कबूतर नहीं छोड़े, जब मैं अपने छोड़ूंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। और इसके अलावा आपको मैं आज अपने कबूतरों का शौक़ भी करवाऊंगा और नया जोड़ा है वो भी दिखाऊंगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जोड़ा मेरे पास मौजूद है और काफ़ी अच्छी नस्ल का है माशाल्लाह, आप उसको देखेंगे तो आप ज़रूर पसंद करेंगे। और इसके अलावा कुछ लोग जो है मुझसे नंबर वगैरह मांग रहे थे, तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हैं, और रबते करने के लिए काफ़ी लोग नंबर वगैरह मांग रहे थे। तो आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, मैं आपको इंशाल्लाह अपने इस वीडियो में आखिर में नंबर भी दूंगा, और आप लोग मुझसे जो रबता करना चाहते थे वो व्हाट्सएप पर रबता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपने कबूतरों का भी शौक़ करवाता हूँ, और साथ ही जो हमारे घर का माहौल है, गाय वगैरह भी हैं, भैंसें भी हैं काफ़ी, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो उसके बाद आपको अपने कबूतर भी दिखाऊंगा और साथ ही जो नया जोड़ा है वो भी आपको दिखाऊंगा। आपको शौक़ दिखाते हैं, माशाल्लाह कबूतर बाहर निकले हुए हैं, तो आपको बाहर निकले हुए कबूतर भी दिखाते हैं, और साथ ही कुछ नए कबूतर जो कि मेरे पास कहीं से आए हुए हैं, जोड़ा है पूरा जोड़ा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, और साथ ही काफ़ी कुछ बच्चे छोटे निकले हुए हैं वो भी आपको चेक करवाता हूँ। अभी कबूतर ये देख सकते हैं आप, अभी अभी बाहर निकले हैं, तो पानी वगैरह भी साथ पड़ा है इनके, माशाल्लाह गर्मियाँ हैं तो पानी बिल्कुल यहाँ भर के रखते हैं, ये इसी तरह रहता है पानी इनके साथ ही। तो अंदर आपको मैं चेक करवाता हूँ, अंदर का माहौल आपको दिखा दूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चा भी निकला हुआ है, एक छोटा सा बच्चा आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये बच्चा निकला हुआ है, काफ़ी छोटा है अभी, तो इसने भी अंडे दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छा कबूतर है ये लाल कबूतर। फिर आपको मैं जोड़ा भी चेक करवाता हूँ और ऊपर लेकर चलूँगा, फिर ऊपर का भी शौक करवाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ का आपको माहौल दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा माहौल है हमारे घर का, तो यहाँ पर भैंसें भी हैं और कुछ बच्चे भी, गाय भी मौजूद हैं, तो आपको मैं चेक करवाता हूँ कि किस तरह के बच्चे हैं और गाय भी है, तो आपको मुर्गे भी दिखाता हूँ इसके साथ, और फिर मैं आपको ऊपर चलकर कबूतर दिखाता हूँ अपने। तो यहाँ पर यह मुर्गा मौजूद है, आपको मुर्गा दिखा देता हूँ मैं, काफ़ी अच्छा मुर्गा। तो ये बच्चे जो थे वो लड़ाई वाले, ये भी आप देख लें, और इसके साथ ये भैंस भी माशाल्लाह बैठी है, और साथ ही आपने देखा कि ये गाय वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो गाय भी आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गाय। और यहाँ पर ये देखें कि जो कि हमारा बच्चा है, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे किस्म का है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो साथ चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो अब हम ऊपर चलते हैं और ऊपर आपको चलकर फिर अपने कबूतरों का शौक करवाते हैं और नया जोड़ा जो था वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मेरी छत के ऊपर से आप माहौल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है, तो आपको मैं यहाँ का माहौल दिखाता हूँ देहाती हिसाब से, देहात के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से। तो यहाँ पर गांव है, विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आप यहाँ पर माहौल देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत माहौल,
और उसके साथ आप हमारी फसलें वगैरह भी देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फसलें यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगी और सरसब्ज जो हैं काफ़ी अच्छे कमाल की फसल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और दरख्त भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे खूबसूरत दरख्त हैं, तो ये भी आपने देखे। और माशाल्लाह यहाँ पर हमारा डेरा भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, उस डेरे को भी आप देख लें। तो दोस्तों यहाँ पर कबूतर दाने भी खा रहे हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे कबूतर हैं, दाने इनको खिलाते हैं हम काफ़ी, और साथ ही पानी भी रखा हुआ है। काफ़ी अच्छे मूड में कबूतर नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कबूतर सेहतमंद भी हैं और दाने वगैरह भी इनको काफ़ी हम दे रहे हैं। माशाल्लाह पानी भी गर्मियों में यहीं पे पड़ा रहता है और हम चेंज करते रहते हैं ताकि पानी गर्म ना हो जाए और कबूतरों को गर्मी ना लगे। जोड़े वाले कबूतर रखे हुए हैं माशाल्लाह, आप ये भी देख सकते हैं कि नर जो है मादी के पीछे भाग रहा है। अभी ये अंडे देने वाली है, तो ये अंडे देगी, जब बच्चे निकलेंगे तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो खुडे के अंदर का भी आप माहौल देख लें, यहाँ पर आप देखें कि ये एक छोटा बच्चा है और उसके साथ काफ़ी अच्छा निकला हुआ है। साथ ही ये देखें आप जोड़े का जोड़ा बच्चा है, तो जो बिल्कुल ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छे क्रॉस नस्ल के हैं। उसके साथ ये आप नीचे देख सकते हैं कि दो बच्चे निकले हुए हैं, बिल्कुल छोटे अभी मासूम हैं, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो काफ़ी अंडे भी निकले हुए हैं, यहाँ पर अंडे भी देख सकते हैं आप कि नर अभी नहीं बैठा। तो चले मैं आपको फिर वो जोड़ा दिखाता हूँ जो मैंने आपको दिखाना था। तो दोस्तों ये वो जोड़ा है जो मैं आपको दिखाने वाला था, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जोड़ा, खूबसूरत जोड़ा मैंने लगाया है, तो आपको मैं इसका शो करवा देता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जोड़ा लगा हुआ है, नर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मादी भी बहुत अच्छी है, तो इनके जब बच्चे निकलेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा और इनका शौक भी आपको ज़रूर करवाऊँगा। तो आप इस मादी का शौक कर सकते हैं, ये इसकी आँख जो है काफ़ी बहुत ही अच्छी आँख देख सकते हैं, पीले कलर की आँख है, और साथ ही आप ये आँख देख सकते हैं कि माशाल्लाह आधी पीले कलर की और आधी जो है ब्लैक है। माशाल्लाह इसे हम टीरी कहते हैं, मादी है तो, और इसके साथ ये नर का शौक कर लें, आप इसकी आँख भी चेक कर लें नर की, तो माशाल्लाह आँख आधी लाल है और आधी जो है ब्लैक है। और साथ ही ये दूसरे वाली आँख भी इसकी चेक करवा दूँ आपको, बिल्कुल ही ब्लैक है, थोड़ी सी जो है पीले कलर की है। माशाल्लाह ये जोड़ा मैंने लगाया है, काफ़ी अच्छा जोड़ा लग रहा है, इनके हड्डी जोड़ जो हैं बिल्कुल मजबूत हैं और जोड़ा लगने के काबिल भी है, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जोड़ा है। इंशाल्लाह इसके बच्चे निकलेंगे तो आगे आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कबूतर और मुर्गे भी दिखाए, काफ़ी छोटे थे लड़ रहे थे, तो उसके साथ आपको माहौल भी दिखाया, काफ़ी अच्छा जोड़ा भी दिखाया और अपने कबूतरों का भी शौक करवाया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी मेरी ये वीडियो देख सकें और मेरा शौक भी देख सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें।